दोस्तों यदि चूल्हे के ऊपर रखे गरम तवा है और उस पे हम पानी डालते हैं या कोई अन्य लिक्विड पदार्थ को डालते हैं तो वह तैरने लगता है, ठीक है, वह जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। यदि उस पर हम डालते हैं पानी या कोई लिक्विड पदार्थ तो वह जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता है, इस प्रकार से घूमने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, यदि हम इसमें हम पानी डालते हैं तो पानी के नीचे जो बूंदे होते हैं उसके नीचे एक लेयर बनता है, ठीक है, परत बनता है, ठीक है, उस परत को कहते हैं इंसुलेशन परत, ठीक है, जो कि जल की बूंदों को वाष्पीकृत होने से रोकता है, ठीक है, वह जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होने देता है, ठीक है। उसका जो परत का जो ऊंचाई होता है वो बीच का होता है 0.2 mm, ठीक है, और जो परत का जो साइड का जो ऊंचाई होता है वह 0.1 mm होता है, ठीक है। तो इस प्रभाव को कहते हैं लीड एंड फ्रॉस्ट प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं लीड एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट, जो कि जल की बूंदों को यदि गर्म तवे के ऊपर डालते हैं तो जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होने देते, ठीक है। तो दोस्तों यदि यह एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, ठीक है।